क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटा इन लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सैम्पलिंग टेक्निक्स को हमने शुरू किया था। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे कि पॉपुलेशन क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको दिए थे। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सैम्पलिंग डिज़ाइन पढ़ेंगे, कौन कौन से डिज़ाइन हम सैम्पलिंग में यूज़ करते हैं। कुछ डिज़ाइन जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे बेस कर रहे होते हैं, और कुछ डिज़ाइन क्या होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर बेस कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसा कि नाम से जाहिर है प्रोबेबिलिटी पर बेस करती है, यानी कि उसमें रैंडमनेस पाई जाती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, पर्सनल जजमेंट या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया की वजह से हम डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट और सबसे कन्वीनियंट, सबसे ईजी क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें रैंडमनेस पाई जा रही है, रैंडमली हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और सिंपल हम सिंपल डाटा सिंपल वे यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये क्या है, ये हाईली जनरलाइजेबिलिटी पाई जाती है डाटा को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज़ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सपोज़ आपकी क्लास कि मैं एवरेज हाइट फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, आपकी क्लास जो है पॉपुलेशन है, और हर एवरेज स्टूडेंट क्या है, उसका एक एलिमेंट है। मैं क्या करूँगी, हर एलिमेंट का जो नेम है वो छोटे स्टेप्स पर लिखकर एक बॉक्स में डाल दूँगी। सपोज़ आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 100 है, और मैंने उसमें से 10 का सैम्पल लेना है, तो मैं क्या करूँगी, उस बॉक्स से 10 स्ट्रिप्स निकालूँगी और नाम मैं यहाँ पर लिखूँगी, तो वो जो मेरे पास सैम्पल्स कलेक्ट हुए होंगे वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू कलेक्ट होंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही हाईली जनरलाइजेबिलिटी पाई जाती है इसमें, लेकिन ये इतनी एफिशिएंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो सेकेंड हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपली हम उसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के, क्यों, उसकी वजह यह है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम होमोजीनियस ग्रुप्स बना लेते हैं, और वो होमोजीनियस ग्रुप क्या कहलाते हैं, स्ट्रेटा कहलाते हैं, और फिर उन स्ट्रेटा में से हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डाटा जो है जनरेट करते हैं। जैसे आपकी क्लास है, अब मैं आपकी क्लास में हाइट ही ले रही हूँ आपकी क्लास से, अब आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाइटेड हैं, कुछ लेस हाइटेड हैं, और कुछ जो हैं जिनकी जो हाइट है वो एवरेज है। अब अगर मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट किया और मेरे पास जो डाटा आया वो सारे उस स्टूडेंट के नेम आ गए जो बहुत हाईली हाइटेड हैं, इनकी हाइटेड जो बहुत हाइटेड हैं और जिनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपके क्लास की एवरेज हाइट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी, जो कि आपकी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं उसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करूँ और आपके क्लास के स्ट्रेटा बना दूँ, यानी कि जिनकी हाइट 5 to 6 है उनका मैं एक स्ट्रेटा बना दूँ, जिनकी हाइट या ऐसे कर लें 5.5 to 6 का एक स्ट्रेटा, 5 से 5.5 तक एक स्ट्रेटा, 4 से 4.5 तक एक, और 4.6 से 4.9 तक एक हमने स्वेटरा बना लिया, और हर स्वेटरा में से मैं एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट करूँ फॉर एज फॉर सैम्पल, तो वो मेरे पास क्या होगी, सर्टिफाइड सैम्पल सैम्पलिंग होगी, और वो मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसके बाद हम क्या थर्ड अपने उस पर चलते हैं, क्या है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक
सिस्टम के थ्रू, एक ऑर्डर के थ्रू हम क्या अपने सैंपल सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम, अब सैंपल्स को अपना अरेंज कर लिया हमने 1 से n तक और एक सिस्टम बना लिया, और सिस्टम के थ्रू हमने क्या किया, सैंपल सेलेक्ट किए, यानी कि हमने एक कोई ऑर्डर नंबर ले लिया 1 to 9 से तक, कोई भी हम नंबर ले लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, कि हमने हर उस जो अपना सिस्टम है, हर जो नंबर है, एलिमेंट्स हैं उसमें से सेम नंबर का एलिमेंट हमने सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर सपोज आपकी क्लास है, आपकी क्लास के स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स हैं और 1 to 5 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 1 to 50 हैं, और मैंने 1 से लेकर 10 तक में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया रेंडमली, 1 से 10 तक मैंने क्या किया, एक नंबर सेलेक्ट किया रेंडमली, सपोज नंबर 7 आ गया, तो क्या है, मैं हर जो 7th नंबर होगा उसको सिस्टमेटिक रेंडम सैम्पल में सेलेक्ट कर लूँगी, यानी कि 7, 17, 27, 37, 47 एंड सो ऑन। इसके अलावा भी मैं अपने सिस्टमेटिक सैम्पल में कर सकती हूँ कि मैं हर 7th नंबर भी ले सकती हूँ, 7, 14, 21। एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाकर हम उसमें से क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ये क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बायसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं, यानी कि उसमें कोई ना कोई एरर आ सकते हैं। सपोज के हमारे स्टार्ट में जैसे कि होता है वूमन कि जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं 1, 2 से 10 तक, उसमें क्या होता है, ज़्यादा उनके हाईली मार्क्स होते हैं वो स्टूडेंट आ जाते हैं, लास्ट में जो है वो लो मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए इस तरह की सैम्पलिंग में क्या होता है, जो सिस्टम बना करते हैं उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। इसके अलावा एक और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक और मेथड है, उसे क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से थोड़ी मिलती जुलती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम होमोजीनियस ग्रुप्स बनाते हैं, उन्हें स्ट्रेटा का नाम देते हैं, जबकि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स जो होते हैं उनका ग्रुप बनाते हैं और उनको क्लस्टर का नाम देते हैं। क्लस्टर हर उसमें से क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पल के थ्रू या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और जो इसका ड्रॉबैक है कि ये लीस्ट रिलायबल है इन सब के दरमियान, जितने भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं उनमें सबसे लीस्ट रिलायबल जो है वो क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग है। इसके अलावा एरिया सैंपलिंग, वो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। यानी कि हम डाटा किसी स्पेसिफिक एरिया से कलेक्ट करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी क्या कहलाती है, एरिया सैम्पलिंग कहती है। सपोज मैं फाइंड आउट करने चाह रही हूँ कि शाहरुख आलम में कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं, तो वो क्या होता है कि एरिया सैम्पलिंग। साहब बताएं, मैं सारे जितने भी पर्सनस वहाँ शाहरुख आलम में रहते हैं उनको अंडर स्टडी नहीं लाऊंगी, कुछ स्पेसिफिक पर्सन को सैम्पलिंग के थ्रू सेलेक्ट करूंगी और उन पे अपना टेस्ट अप्लाई करूंगी, तो वो क्या कहलाएगी, इस तरह की सैम्पलिंग क्या कहलाएगी, एरिया सैम्पलिंग कहलाएगी। एंड द लास्ट इज डबल सैम्पलिंग। डबल सैम्पलिंग यानी कि हम सैम्पलिंग करके वन टाइम और फिर उसमें दोबारा सैम्पलिंग, सेम सैम्पल और सबसेट ऑफ द सैम्पल इज स्टडीज ट्वाइस, टू टाइम हम क्या करते हैं उसको स्टडी करते हैं। ये तो थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, एरिया, डबल, और इसमें सबसे जो बेस्ट सैम्पलिंग कहलाती है वो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। सबसे ऑथेंटिक सैम्पलिंग जो होती है वो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। अब हमने इसके बाद हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल भी कोई अमल दखल ना हो, जिसको हम अपनी पर्सनल जजमेंट की बेस पर सेलेक्ट कर रहे हों, वो क्या कहलाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है।
नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें सबसे पहले है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग, आजकल कन्वीनियंस सैंपलिंग के मेथड बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि डाटा हमें हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे हम कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं कि मोस्ट एक्सेसिबल जो पर्सन होते हैं उसे सैंपल ले लेते हैं। जैसे कि एक रिसर्चर है, वो लिवर कैंसर पे रिसर्च करना चाह रहा है, और इन पंजाब, अब पंजाब में हम देखिए लिवर कैंसर के पेशेंट हर जगह पाए जाते होंगे, गांव में भी सिटीज़ में भी, लेकिन हर जगह हमारी एक्सेस नहीं है। हमें सिर्फ वही लीवर कैंसर के पेशेंट मिल सकते हैं जो हॉस्पिटल्स तक, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ तक जो एक्सेस कर चुके होंगे, हमें वही पेशेंट अवेलेबल है। तो ऐसे सैंपलिंग क्या कहलाती है? कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाती है। इसके बाद सेकेंड जो आती है, जजमेंट सैंपलिंग। ये क्या है? पर्सनल जब जजमेंट पर मुश्तमिल होती है, यानी कि जो भी जो पर्सन सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, ये उसकी पर्सनल जजमेंट में है। सपोज़ मुझे मैम कहती हैं कि अपनी क्लास से मुझे 2 स्टूडेंट्स चाहिए जो कि स्पीच कर सकें। अब ये मेरी अपनी पर्सनल जजमेंट है, मुझे पता है कौन से स्टूडेंट हैं जो अच्छी स्पीच कर सकते हैं, या वो कहते हैं 2 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो किसी स्पेसिफिक डिबेट का जो कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट ले सकें, या कोई डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले सकें, कोई नाच पढ़ सकें। अब जो मैं हूँ, ये मेरी पर्सनल जजमेंट है कि मुझे पता है कौन से जो हैं स्टूडेंट्स वो किस चीज़ में अच्छे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे हों लेकिन वो नाच अच्छी ना पढ़ते हों, तो लाजमी नहीं है कि मैं उनको सेलेक्ट करूँ दैट दे आर गुड इन स्टडी। मैं उनको सेलेक्ट करूँगी जो कि नाच जो है वो अच्छी पढ़ सकते हों। तो ऐसी सैंपलिंग क्या कहलाती है? जजमेंट सैंपलिंग कहलाती है। और ये सम टाइम बहुत मीनिंगफुल होती है ये वाली सैंपलिंग, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है आपका और मेरा डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट हम आपसे बात करते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है नॉर्मली। तो ये क्या है? कन्वीनियंस जजमेंट सैंपलिंग है। और लास्ट जो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें कोई स्पेसिफिक कोटा यूज़ होता है। जैसे आपने अक्सर वुमन सुना होगा जॉब में जो है किसी माइनॉरिटीज़ का कोटा है, फीमेल्स का कोटा अलग है। क्यों? ये क्यों? क्योंकि उनकी तादाद कम होती है, तो उनके जैसे 5% अगर फीमेल का कोटा है तो उसका मतलब है कि उन्हें 100% जो हैं वो हायर करने हैं तो उसमें से 5 फीमेल्स लाजमी होंगी उस कोटा पर। तो ऐसे सैंपलिंग क्या कहलाता है? कोटा सैंपलिंग कहलाता है। और ये कहाँ पर यूज़फुल होता है कि जब जो है हमारे पास जो कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कि सामने शो नहीं हो रही होती, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, कुछ चीज़ें उनको उसमें क्या होता है कोटा सैंपलिंग ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। लेकिन ये जनरलाइज नहीं है, इतना जनरलाइज नहीं है। ये तो थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप, कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। और हमने पढ़ी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी वो डिफरेंट हमने पढ़ी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सर्टिफाइड, सिस्टमैटिक, कोटा, डबल सैंपलिंग और एरिया सैंपलिंग। इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम जो सैंपल जो है वो कैसे कलेक्ट करते हैं।